हेलो बच्चों, नमस्ते बच्चों। इस चैनल पर आपका स्वागत है, वेलकम टू द चैनल। तो बच्चों, दुनिया की सबसे मशहूर इंग्लिश इंग्लिश की ग्रामर रेमंड मर्फी एसेंशियली ग्रामर से इंग्लिश सीखते हैं। और मैं आपको जो है, और ये कैम्ब्रिज वालों की बुक है, ये किताब आपने लेनी है। अगर आप सही में इंग्लिश सीखना चाहते हो तो ये वाली किताब ले लेना। और आपने ये किताब, और ये किताब 200 रुपये की है, लगभग तकरीबन 200 रुपये की। और आपने सेकेंड एडिशन लेनी है, कभी रेमंड मर्फी पीली वाली दे दो, दुकान वाले से कहना। और ये बुक मैं आपको ख़त्म करवा रहा हूँ। इस किताब के बारे में मैंने सबसे जो प्लेलिस्ट है उसमें सबसे पहले वीडियो के अंदर मैंने आपको बता रखा है, तो आप शुरू में जाके देख लीजिए। मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, तो इससे आप, मैं ये किताब आपको ख़त्म करवा कर, मैं अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो पूरी किताब ख़त्म कर लेना। अगर आप इधर उधर भटकोगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ये किताब एक पकड़ के बैठ जाओ, सिर्फ 200 रुपये खर्च करने हैं। और अपने जो माँ बाप मेरी बात सुन रहे हैं तो वो भी अपने बच्चों के लिए किताब लेकर आ जाएं, तो ये किताब अपने बच्चों के लिए लेकर आ जाओ। उनके लिए लाइफ टाइम का इन्वेस्टमेंट है, उनसे ये वाली बात कहो कि इस किताब को पूरा ख़त्म करेंगे। और उनके लिए वो बच्चे कितने भाग्यशाली है कि इस किताब को मैं करवा रहा हूँ, क्योंकि एक एक लाइन एक एक पेज मैं करवा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं जरा इसे आप, और इसमें से सारे चैप्टर्स इसके, यानी चैप्टर इसमें यूनिट क्या रखा है वो हम करेंगे इसके अंदर। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। ओके, आओ बच्चों, रेमंड मर्फी की जो एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर है उसकी आज हम कर रहे हैं 92 यूनिट। और ये बहुत सारी यूनिट हमने कर ली है, अभी थोड़ी सी बची हैं। आप ये बुक को पूरा ख़त्म करना बच्चों। देखो, इसमें यहाँ पर हम बात करेंगे कि वर्ड ऑर्डर। ऑर्डर मतलब होता है क्रम। ऑर्डर क्या होता है? क्रम, कौन सी चीज़ आगे आएगी, कौन सी चीज़ पीछे आएगी, इसको क्रम बोलते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसमें इसी यो जो वर्ड ऑर्डर वाली ना, दो यूनिट हैं इसके अंदर, दो हैं। तो यहाँ पर हम पहली वाली के अंदर बात करेंगे कि जैसे ही स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल, वो वह इंग्लिश बोलता है बहुत अच्छी तरह से। तो यहाँ देख रहे हो, इंग्लिश जो है वो किसके बाद आ रहा है? स्पीक के बाद आ रहा है। ये इंग्लिश कहाँ आ रहा है? स्पीक के बाद आ रहा है। तो ही स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल, वह इंग्लिश बोलता है वेरी वेल, बहुत अच्छी तरह से। वह बोलता है इंग्लिश वेरी वेल। ही स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल, वह बोलता है इंग्लिश वेरी वेल, बहुत अच्छी तरह से। मतलब वह इंग्लिश बोलता है बहुत अच्छी तरह से। तो यहाँ पर स्पीक के बाद इंग्लिश आ रहा है। तो आप देखना इसमें, ये तो ही तो सब्जेक्ट है, स्पीक वर्ब है, और ये इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। तो इसमें ऑर्डर के बारे में बताएगा, कौन सी चीज़ पहले आएगी, कौन सी चीज़ बाद में आएगी। तो यहाँ पर कहता है वर्ब प्लस सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा? वर्ब के बाद। ऑब्जेक्ट कहाँ आता है? वर्ब के बाद। आप ऐसे नहीं करोगे कि ऑब्जेक्ट को पहले लेके आ जाओ, वर्ब को बाद में रखो। देखो कैसे, सू रीड्स अ न्यूज़पेपर एवरी डे। सू रीड्स अ न्यूज़पेपर एवरी डे। सू पढ़ती है एक अखबार रोजाना। सू रीड्स अ न्यूज़पेपर एवरी डे। सू पढ़ती है एक अखबार रोजाना, मतलब वो एक अखबार रोज़ पढ़ती है। तो यहाँ पर देखो, ये तो सू तो सब्जेक्ट होगी, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसके बारे में बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है, जिसके बारे में बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है। ये वर्ब हो गई, वो पढ़ती है, क्या पढ़ती है? न्यूज़पेपर। तो आप देख रहे हो, वो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा? वर्ब के बाद। ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा? वर्ब के बाद, ठीक है। हाँ, वर्ब और ऑब्जेक्ट साथ साथ चलते हैं, और इनके बीच में ऐसे नहीं करोगे कि एवरी डे को यहाँ रख दोगे आप। रीड के और न्यूज़पेपर के बीच में नहीं रख सकते आप, गलत हो जाएगा सेंटेंस, ठीक है। इसमें क्या भी रखा है, सू रीड्स एवरी डे या न्यूज़पेपर, ऐसा नहीं करोगे कि एवरी डे को ये वर्ब के बीच में और न्यूज़पेपर के, मतलब ऑब्जेक्ट के बीच में रखोगे। वर्ब के बीच में, ऑब्जेक्ट के बीच में अधिकतर कोई शब्द नहीं आता इनके बीच में। ये वर्ब के बाद आपने ऑब्जेक्ट लगाना, इनके बीच में आप शब्द को नहीं रखोगे। तो क्या कहता है देखो, तो सू रीड्स अ न्यूज़पेपर एवरी डे। सू पढ़ती है एक अखबार रोजाना। तो वर्ब के बाद क्या आ रहा है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ आता है? वर्ब के बाद। ऑब्जेक्ट कहाँ आता है? वर्ब के बाद। इनके बीच में कुछ नहीं आएगा, वर्ब के और ऑब्जेक्ट के बीच में आपको अधिकतर कुछ नहीं रखना है, ठीक है। अब आगे देखो, द वर्ब यानी कि रीड्स और जो ऑब्जेक्ट है न्यूज़पेपर आर यूजली टुगेदर, ये अक्सर साथ साथ होते हैं, ये अक्सर साथ साथ रहते हैं। जैसे सू रीड्स अ न्यूज़पेपर एवरी डे। सू रीड्स अ न्यूज़पेपर एवरी डे। सू एक अखबार पढ़ती है रोजाना। तो यहाँ पर न्यूज़पेपर वर्ब के बाद आया है, वर्ब के बाद आया है। देखो आगे, तो ये नहीं, ऐसे नहीं करोगे एवरी डे यहाँ लगा दोगे मतलब न्यूज़पेपर से पहले, न्यूज़पेपर से पहले, नहीं ये नहीं होगा। देखो, सू रीड्स एवरी डे न्यूज़पेपर, ये गलत हो जाएगा। ये जो ऑब्जेक्ट है, जैसे ऑब्जेक्ट न्यूज़पेपर है, ये रीड्स वर्ब के तुरंत बाद आएगा, एवरी डे बाद में आएगा। अब आगे देखो जरा इसमें, ये अब देखो एग्जांपल कर लेते हैं जरा इसके अंदर ही। अब हमें पता लग गया ऑब्जेक्ट कहाँ आता है? वर्ब के बाद। ऑब्जेक्ट कहाँ आता है? वर्ब के बाद। ऑब्जेक्ट कहाँ आता है? वर्ब के
बाद। देखो ऑब्जेक्ट कहाँ आता है, वर्ब के बाद। ये वर्ब और ऑब्जेक्ट साथ साथ चलते हैं। देखो ही स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल, वह बोलता है इंग्लिश बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। तो स्पीक के बाद क्या आ रहा है, इंग्लिश ऑब्जेक्ट आ रहा है। ऐसे नहीं करोगे कि वेरी वेल बीच में लगा दोगे और इंग्लिश जो ऑब्जेक्ट है, यानी कि स्पीक वर्ब और इंग्लिश जो ऑब्जेक्ट है उसके बीच में वेरी वेल डाल दोगे, नहीं डालोगे, गलत हो जाएगा। आई लाइक इटालियन फूड वेरी मच, आई लाइक इटालियन फूड वेरी मच, मैं पसंद करता हूँ इटालियन फूड बहुत ज़्यादा। आई लाइक इटालियन फूड वेरी मच, मैं पसंद करता हूँ इटालियन फूड वेरी मच। ये लाइक तो वर्ब हो गया, इटालियन फूड ऑब्जेक्ट हो गया। तो इटालियन फूड कहाँ आ रहा है, लाइक के बाद। ऑब्जेक्ट कहाँ आता है, वर्ब के बाद। ऐसे नहीं करोगे कि वेरी मच लाइक के और इटालियन फूड के बीच में डाल दोगे, जैसे कह रखा है, गलत कह रखा है, नॉट, ऐसे नहीं करोगे कि आई लाइक वेरी मच इटालियन फूड। वेरी मच बाद में ही आएगा, यानी कि आपने क्या काम करना है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रखना है आपने। जो ऑब्जेक्ट है कहाँ आएगा, वर्ब के बाद, इनके बीच में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो आई लाइक इटालियन फूड वेरी मच, मेरे को इटालियन फूड अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। डिड यू वॉच टेलीविज़न ऑल इवनिंग, डिड यू वॉच टेलीविज़न ऑल इवनिंग, क्या आपने टेलीविज़न देखा था ऑल इवनिंग, पूरी शाम को। तो देखो टेलीविज़न ऑब्जेक्ट है, वॉच वर्ब है, तो वॉच क्या देखा, टीवी, क्या देखा, टीवी, तो ये टेलीविज़न ऑब्जेक्ट हो गया, वॉच वर्ब हो गई। और टेलीविज़न कहाँ आ रहा है, वॉच के बाद। टेलीविज़न कहाँ आ रहा है, वॉच के बाद। ऐसे नहीं करोगे कि ऑल इवनिंग यहाँ रख दोगे, वॉच के और टेलीविज़न के बीच में ऑल इवनिंग, ना, ये टेलीविज़न कहाँ आएगा, वॉच के बाद ही आएगा। ऑब्जेक्ट कहाँ आता है, वर्ब के बाद। डिड यू वॉच टेलीविज़न ऑल इवनिंग, क्या आपने टीवी देखा था पूरी शाम, सारी शाम, ठीक है। ये टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, मैंने वीडियो बना दिया है, अपने भी बना दिए, इसके भी बना दिए, देख लेना, बहुत डिटेल में बता रखे हैं। आगे कहता है, वी इन्वाइटेड अ लॉट ऑफ पीपल टू द पार्टी, वी इन्वाइटेड अ लॉट ऑफ पीपल टू द पार्टी, हमने इन्वाइट किया लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों को, टू द पार्टी, पार्टी में। अब देख लो हमने किसको इन्वाइट किया, हमने किसको किया, अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों को। अ लॉट ऑफ पीपल ऑब्जेक्ट है इन्वाइटेड का, इन्वाइट एक वर्ब है, तो इन्वाइट मतलब आमंत्रित करना, हमने आमंत्रित किया लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों को। किसको आमंत्रित किया, अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों को। जो जो अ लॉट ऑफ पीपल है ना, वो ऑब्जेक्ट है इन्वाइट का। जो अ लॉट ऑफ पीपल जो है, अ लॉट ऑफ पीपल ऑब्जेक्ट है इन्वाइटेड का, तो ये अ लॉट ऑफ पीपल कहाँ आ रहा है, इन्वाइटेड के बाद। ऑब्जेक्ट कहाँ आता है, वर्ब के बाद। वी इन्वाइटेड अ लॉट ऑफ पीपल, हमने इन्वाइट किया बहुत सारे लोगों को टू द पार्टी, पार्टी में। ये नहीं करोगे कि टू द पार्टी यहाँ रख दोगे, ये नहीं करोगे टू द पार्टी इन्वाइटेड अ लॉट ऑफ पीपल के बीच में रख दोगे, नहीं, इन्वाइटेड के बाद अ लॉट ऑफ पीपल ही आएगा। वी इन्वाइटेड, हमने इन्वाइट किया लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों को टू द पार्टी, पार्टी में, ठीक है। पॉल ऑफ्टन वियर्स अ ब्लैक कोट, पॉल अक्सर पहनता है एक ब्लैक कोट, एक काला कोट। पॉल ऑफ्टन वियर्स अ ब्लैक कोट, पॉल अक्सर पहनता है ब्लैक कोट, एक काला कोट। तो यहाँ देख रहे हो क्या पहनता है, आ ब्लैक कोट, तो वियर तो वियर्स पहनता है, ये जो वर्ब है, ये वियर्स जो है वर्ब है, और उसका ऑब्जेक्ट क्या है, अ ब्लैक कोट। ये ब्लैक कोट कहाँ आ रहा है, वर्ब के बाद, वर्ब के बाद। पॉल ऑफ्टन वियर्स अ ब्लैक कोट, ब्लैक हैट, पॉल ऑफ्टन वियर्स अ ब्लैक हैट, पॉल अक्सर पहनता है ब्लैक हैट, काली टोपी, काली टोपी। तो ये ब्लैक हैट जो है वो ऑब्जेक्ट है वियर का, कहाँ आएगा ब्लैक, ऑब्जेक्ट कहाँ आता है, वर्ब के बाद। ऑब्जेक्ट कहाँ आता है, वर्ब के बाद। तो अब ब्लैक हैट कहाँ आ रहा है, वियर के बाद। तो हमें बात समझ में आ गई, ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं, वर्ब के बाद, और ऑब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में अक्सर अक्सर कोई शब्द नहीं आता है। पॉल ऑफ्टन वियर्स अ ब्लैक हैट, पॉल अक्सर पहनता है एक काली टोपी। आई ओपन द डोर क्वाइटली, क्वाइटली क्यों, तो चुपचाप, बिना आवाज़ करे, शांति से, चुपचाप, बिना आवाज़ करे, क्वाइटली। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने खोला दरवाज़ा, यानी कि मैंने दरवाज़ा खोला, ठीक है, चुपचाप। तो आई ओपन द डोर, ठीक है, डोर कहाँ आ रहा है, ओपन के बाद, ओपन मैंने खोला, क्या खोला, दरवाज़ा, द डोर। तो डोर, डोर आ कहाँ रहा है, ओपन के बाद, ठीक है, द डोर कहाँ आ रहा है, ओपन के बाद। ऑब्जेक्ट कहाँ आता है, वर्ब के बाद। द डोर कहाँ आ रहा है, ओपन के बाद। ऑब्जेक्ट कहाँ आता है, वर्ब के बाद, ठीक है। ऐसे नहीं करोगे क्वाइटली यहाँ डाल दोगे, नहीं,
वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है और इनके वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में अक्सर कुछ नहीं आता है। आई ओपन्ड द डोर क्वाइटली, मैंने चुपचाप दरवाज़ा खोला। अब आगे कहता है वाई डू यू ऑलवेज मेक द सेम मिस्टेक, आप हमेशा सेम मिस्टेक क्यों करते हो। वाई डू ऑलवेज मेक द सेम मिस्टेक, तो मेक करते हो, क्या करते हो, सेम मिस्टेक। तो ये सेम मिस्टेक जो है आपका ऑब्जेक्ट है पूरा का पूरा। और अभी भी देख लो ऑब्जेक्ट कहाँ आ रहा है, मेक वर्ब के बाद आ रहा है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ आता है, वर्ब के बाद। Why do you always make the same mistake? आप हमेशा सेम मिस्टेक क्यों करते हो। बेटा जैसे जैसे आप पढ़ते जाते हो तो आपको चीज़ें समझ में आने लग जाती हैं। शुरू में सारी चीज़ें समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, ठीक है। हाँ, I am going to borrow some money from the bank। मैं उधार लेने वाला हूँ, निकालने वाला हूँ सम मनी, कुछ पैसे फ्रॉम द बैंक, बैंक में से। तो यहाँ देख रहे हो, मैं उधार लेने वाला हूँ, क्या लेने वाले हो, सम पैसे, सम मनी, कुछ पैसे। तो सम मनी क्या है, ऑब्जेक्ट है। सम मनी क्या है, ऑब्जेक्ट। सम मनी क्या है, ऑब्जेक्ट है। और कहाँ आ रहा है सम मनी, बोरो के बाद, वर्ब के बाद। बोरो क्या होता है, उधार लेना, लेना थोड़े समय के लिए। तो आई एम गोइंग टू बोरो सम मनी फ्रॉम द बैंक, मैं बैंक से कुछ पैसे उधार लेने वाला हूँ। तो ऑब्जेक्ट क्या है, सम मनी। कहाँ रहा है, बोरो के बाद, बोरो वर्ब है, वर्ब के बाद, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो बी वाले में देखो जरा, इसके अंदर ये कि वी वेंट, अब देखो प्लेस एंड टाइम, अगर दो, अगर प्लेस को और टाइम को बताने वाले जो शब्द आएंगे उनकी पोजीशन ये रखनी है कि जगह को बताने वाले, कि प्लेस को बताने वाले शब्द पहले आएंगे और टाइम को बताने वाले शब्द बाद में आएंगे। देखो वी वेंट टू अ पार्टी लास्ट नाइट, हम एक पार्टी में गए थे लास्ट नाइट। तो यहाँ पर हम गए थे, कहाँ गए थे, पार्टी में, टू अ पार्टी, टू अ पार्टी जगह को बता रहा है, प्लेस को बता रहा है। कब गए थे, लास्ट नाइट, पिछली रात को, ये लास्ट नाइट टाइम बता रहा है। तो आप गौर से देखो, जगह को बताने वाला, जगह को बताने वाले शब्द तो पहले आएंगे, टाइम को बताने वाले शब्द बाद में आएंगे। जगह को बताने वाले शब्द पहले आएंगे, टाइम को बताने वाले बाद में आएंगे। वी वेंट टू अ पार्टी लास्ट नाइट, हम पार्टी में गए थे, एक पार्टी में गए थे लास्ट नाइट, पिछली रात को, पिछली रात को, ठीक है। तो यानी कि प्लेस को बताने वाले शब्द पहले आएंगे और टाइम को बताने वाले बाद में आएंगे। तो प्लेस यानी कि टू अ पार्टी यूजली बिफोर द टाइम, यानी कि जो प्लेस होता है वो टाइम से पहले लगाना है। जैसे कि टू अ पार्टी जगह को बता रहा है और लास्ट नाइट टाइम को बता रहा है, तो हमने टू अ पार्टी पहले लगाएंगे और लास्ट नाइट बाद में लगाएंगे, यही वो हमसे कह रहा है। हम वो कह रहा है हमसे, समझदार हो जाओ। वी वेंट टू अ पार्टी लास्ट नाइट, हम एक पार्टी में गए थे लास्ट नाइट। तो टू, वी वेंट, हम गए थे, टू अ पार्टी, पार्टी में, समय को, जगह को बताने वाले पहले आ रहा है और समय को बता, ठीक है ना, जगह को बताने वाला टू अ पार्टी, जगह को बताने वाले शब्द पहले आएंगे और टाइम को बताने वाले बाद में, लास्ट नाइट बाद में आ रहा है। अच्छा, अब देखो जरा इसमें प्लेस क्या होता है। देखो प्लेस यहाँ पर वेयर, कहाँ, जो का कहाँ के जवाब में आता है, और टाइम, टाइम व्हेन, कब, हाउ लॉन्ग, कब तक, हाउ ऑफ्टन, कब कब, ठीक है। तो देखो ये समय को बताने वाले शब्द पहले आएंगे, टाइम को बताने वाले बाद में आएंगे, वो इसके अंदर ये कह रहा है। लिज वॉक्स टू वर्क एवरी डे, लिज काम पर जाती है एवरी डे, रोजाना। लिज वॉक्स टू वर्क, लिज काम पर जाती है रोजाना, एवरी डे। तो टू वर्क कहाँ जाती है, काम पर, अपने ऑफिस। तो टू वर्क पहले आ रहा है, एवरी डे जो टाइम को बताता है, कब कब जाती है, रोजाना, एवरी डे, ये बाद में आ रहा है, ओके ना। विल यू बी एट होम दिस इवनिंग, क्या आप घर पर होगे आज शाम को, कहाँ पर होगे, घर पर, एट होम जगह को बता रहा है, कब, दिस इवनिंग, आज शाम को। तो जगह को बताने वाले शब्द पहले आ रहे हैं और समय को बताने वाले बाद में। विल यू बी एट होम दिस इवनिंग, क्या आप घर पर होगे आज शाम को। आगे कहता है इसमें आई यूजली गो टू बेड अर्ली, आई यूजली गो टू बेड अर्ली, मैं अक्सर बिस्तर में चला जाता हूँ अर्ली, जल्दी। तो कहाँ चला जाता हूँ, गो टू बेड, टू बेड, ये जगह को बताने वाले हैं, जगह को बताने वाले शब्द, टू बेड, बिस्तर में चला जाता हूँ, कब चला जाता हूँ, अर्ली, जल्दी, जल्दी, ठीक है। तो आई यूजली गो टू बेड अर्ली, मैं अक्सर जल्दी सो जाता हूँ। तो समय, जगह को बताने वाले पहले आते हैं शब्द और समय को बताने वाले बाद में, जगह को बताने वाले शब्द पहले आते हैं और समय को बताने वाले बाद में, ठीक है। तो आई यूजली गो टू बेड, मैं अक्सर चला जाता हूँ बिस्तर में अर्ली, जल्दी, यानी कि, ठीक है।
वी अराइव्ड एट द एयरपोर्ट, हम एयरपोर्ट पर पहुँचे थे एट 7 o'clock। तो यहाँ देख रहे हो एट द एयरपोर्ट, हम पहुँचे कहाँ पर पहुँचे, एयर एट द एयरपोर्ट, ये जगह को बताने वाले शब्द हैं एट द एयरपोर्ट। टाइम को बताने वाले कौन से हैं, एट 7 o'clock 7 बजे। तो देख रहे हो जगह को बताने वाले शब्द पहले आएंगे और समय को बताने वाले बाद में। वी अराइव्ड, हम पहुँचे, अराइव होता पहुँचना आना, वी अराइव एट द एयरपोर्ट, हम एयरपोर्ट पर पहुँचे थे एट 7 o'clock 7 बजे। आगे कहता है दे हैव लिव्ड, ये देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये ना हैव है, ये यहाँ पर क्या बच्चों हैव है, ये जो है ना हैव, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में पढ़ेंगे देव, क्या पढ़ेंगे देव, देव, और वैसे तो हमें है ठीक है ना देव, देव जो देव देव, तो देव लिव्ड इन द सेम हाउस फॉर 20 ईयर्स। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है कि जो काम लिव के साथ, खास करके जिनके हम पहले मतलब वो जो है पहले भी वहीं वो रहते थे वहाँ पर और अभी भी रह रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि आपका जो काम, जैसे वो दो इसका जो निकलेगी ना, मतलब वो निकलेगा वो 20 साल से रह रहे हैं एक ही घर में। दे हैव लिव्ड इन द सेम हाउस फॉर 20 ईयर्स, दे हैव लिव्ड इन द सेम हाउस फॉर 20 ईयर्स, वो रह रहे हैं इन द, ये नहीं रह चुके हैं, ये चुका चुकी मतलब लगा लेना, मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पूरा बना रखा है, डिटेल में बता रखा है मैंने, उस पर डिफरेंस भी बता रखे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, देख लेना वो रेमन अल्फी की नोट में जाके। तो दे हैव लिव्ड इन द सेम हाउस फॉर 20 ईयर्स, वो रह रहे हैं एक ही घर में, तो इन द सेम हाउस कहाँ रह रहे हैं, इन द सेम हाउस उसी घर में, ये जगह को बताने वाला, फॉर 20 ईयर्स 20 साल से। तो देख रहे हो जगह को बताने वाले शब्द पहले आते हैं, समय को बताने वाले बाद में आते हैं, ठीक है। तो दे हैव लिव्ड इन द सेम हाउस फॉर 20 ईयर्स, वे रह रहे हैं इन द सेम हाउस उसी घर में फॉर 20 ईयर्स 20 साल से। जिम्स फादर हैज़ बीन, जिम्स फादर, जिम की ये इज, ये इज भी नहीं है, ये का मतलब है, ये एपोस्ट्रोफी एस है सिर्फ, ये इज नहीं है। जिम्स फादर, जिम के पापा, जिम के पापा, ठीक है ना, जिम्स फादर, जिम के पापा, ये एपोस्ट्रोफी का मतलब बताता है। जिम्स फादर हैज़ बीन इन हॉस्पिटल सिंस जून, जिम के पापा हॉस्पिटल में, जू इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में सिंस जून, जून से हॉस्पिटल में, देखो ये भी प्रेजेंट, अभी भी हॉस्पिटल में, वो पहले थे, पहले 20 जून से पहले गए वहाँ पर और वो अभी तक हैं, तो यानी 20 जून को गए थे, सॉरी। तो जिम्स फादर हैज़ बीन इन हॉस्पिटल, जिम्स के फादर पापा जो है हॉस्पिटल में, जगह को बताने वाले शब्द पहले आ रहे हैं, समय को बताने वाले बाद में। तो जिम्स फादर हैज़ बीन इन हॉस्पिटल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब देख लो, जो काम पास में हो रहा है लेकिन अभी भी चल रहा है। तो जिम्स फादर हैज़ बीन इन हॉस्पिटल, जिम के पापा हॉस्पिटल में हैं सिंस जून, जून से। तो आज हमने वाला कर लिया, ऑर्डर को बताने वाला कर लिया हमने, ठीक है। तो आज हमारा ये यूनिट भी हो गई, और अगले इसमें ये 93 वाले इसमें करेंगे ऑलवेज यू, ये कहाँ आते हैं वर्ड ऑर्डर वाले में, दूसरी एक्सरसाइज के अंदर, ओके। तो बच्चों पढ़ो पढ़ो खूब पढ़ो, माँ बाप का नाम रोशन करो, देश को बहुत आगे पहुँचाना है आपने, और ये अपने फ्रेंड वगैरह में शेयर कर देना ताकि उनको फ़ायदा हो सके। और भाई जैसे मतलब आपका भी योगदान हो थोड़ा शिक्षा का प्रसार के अंदर, जो आप शिक्षा को बढ़ावा दोगे, एजुकेशन को बढ़ावा दोगे, तो आपका भी इसमें कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, ओके। और कमेंट जरूर कर दिया करो बच्चों, ओके। थैंक यू वेरी मच।